नमस्कार दोस्तों, जीवन में जब कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जब चारों ओर से आदमी घिरा हुआ नजर आए और कहीं भी कोई रास्ता न दिखे, तो ऐसी स्थिति में ईश्वर पर भरोसा करके अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। जंगल में एक गर्भवती हिरनी बच्चे को जन्म देने को थी। वह एकांत जगह की तलाश में घूम रही थी और उसे नदी किनारे ऊंची और घनी घास दिखी। उसे उपयुक्त लगा कि वह स्थान शिशु को जन्म देने के लिए अच्छा होगा और वो वहाँ पहुँच गई। उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में घनघोर बादल, वर्षा और बिजली कड़कने की आवाज आई। उसने दाईं तरफ देखा तो एक शिकारी तीर का निशान उसकी तरफ कर रहा था। घबरा कर वह दाहिनी तरफ झुकी तो वहाँ एक भूखा शेर झपटने को तैयार बैठा था। सामने सूखी घास आग पकड़ चुकी थी और पीछे की तरफ झुकी तो नदी का जल बहुत था। मादा हिरनी क्या करती, वह प्रसव पीड़ा में व्याकुल थी। अब क्या होगा, क्या हिरनी जीवित बचेगी, क्या वह अपने शावक को जन्म दे पाएगी, क्या शावक जीवित रहेगा, क्या जंगल की आग सब कुछ जला देगी, क्या मादा हिरनी शिकारी के तीर से बच पाएगी, क्या मादा हिरनी भूखे शेर का भोजन बनेगी। वह एक तरफ आग से गिरी है और पीछे नदी है, आखिर वह क्या करेगी। हिरनी यही सोच के काफी परेशान हो गई। हिरनी बुरी तरह से फंस चुकी थी, तो हिरनी ने सोचा अपने आप को शून्य में छोड़ दूं। अपने बच्चे को जन्म देने में लग गई और कुदरत का करिश्मा देखिए कि आसमान में बिजली चमकी और तीर छोड़ते हुए शिकारी की आंख पे चुभ गई। उसकी तीर हिरनी के पास से गुजरते हुए शेर की आंख में जा लगा। शेर दहाड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा और शिकारी शेर को घायल देकर डर के मारे भाग गया। उसी समय आसमान में बारिश शुरू हो गई और जंगल की आग बुझ गई। हिरनी ने शावक को जन्म दे दिया। तो दोस्तों, हमारे जीवन में कभी कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब हम चारों तरफ से समस्याओं से घिरे होते हैं और कोई निर्णय नहीं ले पाते। तब सब कुछ नियति के हाथ को सौंपकर अपने उत्तरदायित्व व प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। अंततः यश अपयश, हार जीत, जीवन मृत्यु का अंतिम निर्णय ईश्वर करता है। हमें उस पर विश्वास करके उसके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। कुछ लोग हमारी सराहना करेंगे तो कुछ लोग हमारी आलोचना भी करेंगे। दोनों ही मामलों में हमें फायदे में ही होते हैं। एक तरफ हम अपने आप को प्रेरित कर सकते हैं और दूसरी तरफ हम अपने भीतर की गलतियों को सुधार कर सकते हैं।